लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नागरिकों को कोरोना से बचाने शिवसेना युवा नेता अमित चौगुले ने आज ऐरोली प्रभाग 23 की तपस्या सोसाइटी में फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया। अमित चौगुले प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित इस टीका कैंप में 700 से अधिक नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन की मुफ्त डोज लगवाई। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे और शिवसेना नेता विजय चौगुले ने नागरिकों का हौसला बढ़ाते हुए युवा नेता अमित चौगुले के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि आर्थिक तंगी के बीच नागरिकों को फ्री वैक्सीन कैंप राहत देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। सोलह लाख की आबादी वाली नई मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन की मांग ज़्यादा है। हालांकि मांग के अनुरूप वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने से अधिकांश लोग टीकाकरण के इंतजार में हैं। इस कमी को पूरा करते हुए आज शिवसेना युवा नेता अमित चौगुले ने ऐरोली के प्रभाग 23 में वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जहाँ तकरीबन 800 लोगों को मुफ्त कोरोना टीका लगाई गई। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे और शिवसेना नेता विजय चौगुले ने भी भेंट दिया और नागरिकों का हौसला बढ़ाया। सांसद राजन विचारे ने कहा कि अमित चौगुले ने आर्थिक तंगी के बीच नागरिकों के लिए फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराकर बड़ी राहत दी है। वहीं शिवसेना नेता विजय चौगुले ने कहा कि प्रभाग 23 के नागरिकों के मांग के बाद यहाँ अमित चौगुले प्रतिष्ठान की ओर से फ्री टीकाकरण किया गया, ताकि सभी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षा मिल सके। अभी सबका डर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन एक ही ऐसा उपाय है कि हर आदमी ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए। आज विजय चौगुले के माध्यम से यहाँ पे ये जो मुफ्त शिविर का आयोजन किया है, कॉरपोरेशन के माध्यम से भी हर जगह पे ये कैंप आयोजित किए गए हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से यहाँ पे बहुत जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन आज इन्होंने भी एक अच्छा काम यहाँ पे किया है कि ये एक तरह से अपने प्रभाग के लोगों को ये वैक्सीनेशन मुफ्त कर रहे हैं। आता से निःशुल्क ठेवलेलं आहे, ज्यावेळेस वैक्सीनेशन चालू झालं त्यावेळेस जे 250 रुपये ही होता आणि नगरपालिकेत फ्री होतं, त्यावेळेस आम्ही ज्येष्ठ लोकांना या ठिकाणी आम्ही सर्व फ्रीमध्ये दिले। पण इथंच नाही दिले, आम्ही जवळपास 10 असेल 9 असेल 8 असेल स्लममध्ये असेल बहुतेक ठिकाणी त्यावेळेस आम्ही मोफत दिलं। पण त्यावेळेस आम्ही गाजावाजा नाही केला की आपण वॅक्सिन देतो म्हणून, त्याच्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब खासदार राजनीतिक साहेब स्वतः इनिशिएटिव्ह त्यांनी घेऊन आम्हाला इंद्रावतीमध्ये वॅक्सिन अवेलेबल उपलब्ध करून दिले होते। आणि त्यावेळेस होतं, आणि आता अशी परिस्थिती होती की आता जर समजा महानगरपालिकेमध्ये जर भेटत नाही, आधी 18 ते 45 मधला सर्व गॅप होता तो आता चालू केला आणि बंद झाला, त्याच्यामुळे एक भीती निर्माण झालेली होती। म्हणून मी खासदार साहेबांना सांगितलं, म्हणजे खासदार साहेबांनी अकोलावाल्यांशी बोललं आणि ही सर्व अवेलेबल करून दिलं। शेवटी एक असतं की इथं अमित चौगुले नगरसेवक आहे आणि एक जबाबदारी असते आपल्या प्रभागाची, आणि ती प्रभागाची झेलायला अमित चौगुले सक्षम आहे। आणि त्या माध्यमातून त्यांनी लोकांनी पैसे द्यावं येऊन घेऊन जावं, त्याच्यापेक्षा त्यांनी त्याचं अमित चौगुले प्रतिष्ठान आहे, त्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी हे सर्व फ्री वॅक्सिन ठेवलं आहे। ते वॅक्सिन घ्यायला पाहिजे, घेतल्यानंतर एक आपण निर्धास्तपणे राहतो। आणि या ठिकाणी आम्हाला वाटतं की या प्रभागामध्ये 23 नंबर प्रभागामध्ये जे अगोदर आम्ही जे ज्येष्ठ लोकांना वॅक्सिन आम्ही दिले, आज त्यांना जे सेकंड हे झालं त्यावेळेस आपला कोविडचा हे आला त्यावेळेस त्यांना सर्वांना त्याचा फायदा झाला, त्याच्यामुळे ते सर्व सेफ राहिले आणि त्या लोकांनी सर्वांनी
ममिता त्याबाबत धन्यवाद दिले की आम्हाला तू जबरदस्ती वैक्सीन घ्यायला लावलं, सर त्याच्यामुळे आता आम्ही त्यावेळेस त्यांना त्रास नाही झाला। वहीं वैक्सीनेशन कैंप के आयोजक निवर्तमान नगर सेवक ममित चौगले ने कहा कि आज 18 से 44 साल के नागरिकों के लिए टीका उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में तीसरी लहर आने से पहले ही हमारा लक्ष्य है कि प्रभाग 23 में सभी जरूरतमंद नागरिकों और युवाओं को कोरोना का टीका लग सके। ममित चौगले ने कहा कि जल्द ही वे दूसरा कैंप लगाएंगे ताकि प्रभाग के बचे हुए लोगों का टीकाकरण हो सके। आज सेक्टर वार्ड नंबर 23 में तपस्या सोसाइटी में ये वैक्सीन ड्राइव रखने आई है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमारे CM बोलते हैं माझी कुटुंब माझी जवाबदारी, तो उनके मार्गदर्शन के नीचे ये आज 800 लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं 18 से 18 to 45 एज ग्रुप को। बाकी ठिकाणी वैक्सीन अवेलेबल पण नाही है, तो लवकरात लवकर आपले लोक वैक्सीनेट कसे होतील हे आमचा मोटो होता। वैक्सीनची ही गरज आहेच सगळ्यांना, कारण की COVID-19 हा एवढा वेगाने पसरतो आहे। जरी आता कमी झाली असेल त्याची लाट, पण तो परत आता ऑगस्टमध्ये थर्ड वेव येणार आहे, तर आपण सगळ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे आणि सगळ्यांनी वैक्सीन घेतलं पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।